ओम शांति। आज है 12 नवंबर 2021, मुरली का सार। मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पाठ बजाती है, यह भी ईश्वरीय लॉ है। प्रश्न, बाप जो समझाते हैं यह समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? उत्तर, जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे उतना बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुँचे हैं। हर एक का पुरुषार्थ अपना है, कोई सतों है तो कोई तमो भी है, लेकिन बनना है सतो प्रधान। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, भगवान हमको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाते हैं, इसी खुशी व नशे में रहना है। रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। दूसरा, जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते हैं, ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है। वरदान, करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं लेकिन कर्म योगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित मात्र का मंत्र वा करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। स्लोगन, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। ओम शांति।